रामपुरा फूल किसानों वालों हंसराज हंस का विरोध। पुलिस ने किसानों विचाले हुई धक्का मुक्की। हंसराज हंस बोले जे जितया तो किसानों बॉर्डर से बैठने की लोड़ नहीं पवेगी। फरीदकोट तो बीजेपी के उम्मीदवार ने हंसराज हंस। केजरीवाल के पटीशन से दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला। पिछली सुनवाई से फैसला रखा से सुरक्षित। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से रिमांड में दी हुई है चुनौती। मिशन 13-0 को लेकर मुख्यमंत्री मान की रिहायश आज अहम मीटिंग। राज्यसभा मेंबर संजय सिंह और संदीप पाठक भी रहेंगे मौजूद। सारे लोकसभा उम्मीदवार विधायकों को दिया गया सदका। फिलौर तो कांग्रेस विधायक विक्रम चौधरी ने चीफ विप के अहदे से दिया इस्तीफा। जलंधर तो चरणजीत चन्नी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा विचाले चुकिया कदम। जलंधर सीट तो चौधरी परिवार जता रहा दावेदारी। लोकसभा चुनाव के लिए साबका सीएम चन्नी ने जलंधर जमाया डेरा। किराए के लिए आलीशान कोठी। जलंधर को टिकट दे मजबूत दावेदार ने चन्नी। दिल्ली पुलिस थाने बाहर टीएमसी सांसदा का धरना जारी। कल रात तो मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन बाहर बैठे हुए ने तृणमूल कांग्रेस के लीडर। चुन कमिशन दफ्तर बाहर धरना देने वेले ले सी हिरासत। चंडीगढ़ कांग्रेस भवन आज पंजाब कांग्रेस की अहम मीटिंग। इंचार्ज देवेंद्र यादव और प्रधान राजा वड़िंग ने सदी बैठक। लोकसभा चोणों को लेकर होगा मंथन। सुखबीर सिंह बादल की पंजाब बचाओ यात्रा लगातार जारी। आज दोरहाज पहुंचेगी यात्रा। कल बसी पठाना के संपराला का किया दौरा। हरियाणा के बीजेपी लीडर से सबका केंद्र मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आज कांग्रेस करेंगे वापसी। दिल्ली च अपने साथियों समेत कांग्रेस करेंगे शमूलियत। बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने पहला ही ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस। पंजाब करोड़ा की ठगी करने वाला नीरज अरोड़ा उत्तराखंड को गिरफ्तार। फरीदकोट के फाजिलका पुलिस ने सांझे ऑपरेशन दौरान की गिरफ्तारी। मुलजम ने 18 जिले के लोगों को मारी सी करीब 45 करोड़ की ठगी। फाजिलका च 19 साल लड़के का बेरहमी नाल कत्ल। प्रेम संबंधा के चलद वारदात को दिता गया अंजाम। लड़की सने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। फाजिलका की राधा स्वामी कॉलोनी यमुनगर च पुत ने जमीन लई कीता मां दा कत्ल। हरिद्वार कुमान बहाने रस्ते च गला दबा के उतारे मौत के कार्ड। शक ना पवे इस लई लिखवाई गुमशुदगी की शिकायत। पुलिस ने मुलजम सने उसकी पत्नी ते बेटे नु भी कीता घटना। पुलिस ने शनाख्त लई मौजूद रखी लाश। पटियाला के बाजार शरेआम हुई गुंडागर्दी। 15 तो 20 बदमाशा ने एक दुकानदार से डांग नाल कीता हमला। पुलिस ने छेती कार्रवाई करने की आखी कर। लुधियाना के पिंड मोही पेतपरे हालात च महिला की मौत। 1.5 महीने की गर्भवती सी महिला। हालत बिगड़न से पत्नी ने तुरंत हस्पताल करवाया से दाखिल। मोहाली के जगतपुरा च 2 चोरों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। लखा रुपए के गहने चोरी करके फरार। फड़े जाने के डर तो सीसीटीवी की भी की भनतोड़। अमृतसर पुलिस ने ICICI बैंक नू लुटन वाले 3 मुलजमान को किया गिरफ्तार। 7,70,000 रुपए की नकदी और 2 पिस्तौलों की बरामद। बीते दिन बैंक चो 12,78,000 रुपए की लुटाई। स्नैचिंग की वारदात। बाइक सवार बदमाशा ने सड़क से पैदल जा रही महिला तो खोया पर्स। सीसीटीवी कैद दी तस्वीर। बाजार तो सामान खरीद के घर वापस जा रही थी महिला। अमृतसर के कटड़ा कन्हैया बाजार च बाइक सवार 2 बदमाशा ने की लुट। सड़क से पैदल जा रहे शख्स तो खोया मोबाइल। विरोध करने की फुटमार। जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 4 स्नैचर्स को किया काबू। मुलजमान एक महिला भी शामिल। लुटे हुए 22 मोबाइल हुए बरामद। नशे के खिलाफ जलंधर कमिश्नरेट पुलिस का एक्शन। हैरोइन के नाल 2 मुलजमान को किया काबू। शक पैन से पुलिस ने ली थी तलाशी। गुरदासपुर पुलिस को मिली सफलता। तलाशी के दौरान बॉर्डर नेड़े पिंड चौतरा के खेतों चो 500 ग्राम हैरोइन बरामद। गुप्त सूचना के आधार से की गई कार्रवाई। तरन तारण के बंड इलाके एक्साइज के पंजाब पुलिस की ज्वाइंट रेड 1,41,400 लाहन बरामद। रेड दौरान मुलजम हुए फरार। गिरफ्तारी लिए की जा रही छापेमारी। फिरोजपुर पुलिस ने चोर गिरोह के 5 मैंबर्स को किया गिरफ्तार। वक् वक् जिलों च गोदामों बनाते से निशाना। रेकी करन तो बाद कणक के चौल करते सन चोरी। फरीदकोट पुलिस ने एक महिला से एक व्यक्ति को किया काबू। लोगों करोड़ों रुपए की ठगी मारन का इल्जाम। थोड़े समय च ही पैसा दुगुना करन का देंदे से लालच। फिरोजपुर पुलिस ने अंतरराज्यी चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। वक् वक् शहरों चोरी दिया घटनावां नूं दिंदे सन अंजाम। फड़े गए मुलजमान को जारी आरसीस 12 ऑटो 6 बाइक। जलंधर पुलिस ने नाजायज हथियारों समेत एक शख्स को किया काबू। वड्डी वारदात को अंजाम देने की फिराक से मुलजम। गुप्त सूचना के आधार से की गई कार्रवाई। पंचकूला की साइबर थाना पुलिस ने 2 मुलजमान को किया गिरफ्तार। एक शख्स नाल की थी 22 लाख रुपए की ठगी। 17 ATM कार्ड और 5 मोबाइल हुए बरामद। रूपनगर के पिंड हुसैनपुर का 23 साल अभिषेक पिछले करीब 4 दिनों तो लापता। अपना सोने का समान सारे सर्टिफिकेट्स लेके घरों निकला थी अभिषेक। परिवार वालों मदद की थी अपील। फिरोजपुर के मक्खू च वापरिया भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक मारी टक्कर। हादसे च प्यो मुहाना डंपर और स्कूली बस विचाले टक्कर। हादसे च एक अध्यापक की गई जान। डंपर चालक भी होया जख्मी। लुधियाना पुलिस ने 3 चोरों को किया काबू। एक बाइक भी होया बरामद। पुलिस मुताबिक एक मुलजम से पहला तो दर्ज ने लुटा।
ਜੇ ਬਸੀ ਦੇ ਦੇਹਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉੱਠਿਆ ਧੂੰਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕੁੰਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਨੇ ਆਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਥਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਚ ਟੀਚਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਚ ਡਕੈਤੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਬਾਗ ਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਝਗੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਮ ਚ ਗਿਆ ਫਗਵਾੜਾ ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਲੀ ਚ ਖੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਚ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੂੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਛਾਇਆ ਹਨੇਰਾ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚ ਬੀਚ ਤੇ ਜੁਟੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ 6 ਦਿਨ ਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਉਮੜੀ ਭੀੜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਜਾ ਨਰਾਤਿਆਂ ਚ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਵਨ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਅਮਾਨ ਮੰਦਰ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ ਮੰਦਰ ਚ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ